वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं रायपुर। सबसे पहले मुझे शिव मंदिर से प्रणाम किए, फिर टनल की ओर गए जो कि भाटापारा में सब चीज बना हुआ है। तो भाई देख सकते हो टनल जैसे हम पार करेंगे, उसके बाद हम जाने वाले हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे पकड़ के हम जाने वाले हैं रायपुर। रायपुर में घूमेंगे फिरेंगे, वीडियो बनाएंगे, सब चीज करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन। देख सकते हो रेलवे स्टेशन कैसा है। तो यहाँ पर हम बाइक पार्किंग में पार्क कर दिए हैं बाइक, और दो नंबर प्लेटफॉर्म में रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आ चुके हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के हम तीन नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। अभी 7:19 टाइम हो रहा है और फाइनली यार हम 10-15 इंतजार किए, उसके बाद हमारे ट्रेन आ चुका है। उससे पहले मुझे एक सब्सक्राइबर मिला था जिसने ITI मतलब एडमिशन लेने के जा रहा था, और मुझे दो चार क्वेश्चन पूछे कि भाई यार किस में लूँ क्या करूँ। तो मैं बोला भाई यार जो अच्छा लगता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। फिर उसने तो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लिया था, मुझे पहचान लिया, देख लिया, फेस रिवील कर सकता है। फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ट्रेन हमारा निकल चुका है भाटापारा प्लेटफॉर्म से, ट्रेन हमारा छूट चुका है। तो भाई देख सकते हो यार जितना जल्दी ट्रेन मतलब स्पीड पकड़ रहे, प्लस हम भी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। तो फाइनली हमारा एकदम ट्रेन स्पीड पकड़ चुका है भाई साहब, और हम यहाँ पर रायपुर जैसे ही लैंड होते हैं, देख सकते हो रायपुर जंक्शन में हम लैंड हो रहे हैं। रायपुर हम पहुँच चुके हैं, ये है अपना रायपुर जंक्शन। भाई देख सकते हो रायपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म एक नंबर पे जा रहा है। तो आप सबको एक बात बता दूं यार कि मैं ये तिलदा में एक जगह रुका था, एक्सप्रेस ये तिलदा में रुका था, तो उसमें मैं डब्बा चेंज कर दिया, जनरल डिब्बा छोड़ के इधर आ गया। मैं तो सबसे पहले जनरल डिब्बा में चढ़ा था क्योंकि जनरल डिब्बा का ही मेरे पास टिकट था, तो मैं यार दूसरा डिब्बा चेंज कर लिया। मुझे डर था कि क्या बोलते टिकट चेक करने वाला ना आ जाए, पकड़ लेता तो फाइन लगता। तो फाइनली हमारा ट्रेन रुक चुका है, और जैसे ही ट्रेन रुका हम बाहर निकले तो देखे कि यार साफ सफाई में बढ़िया ध्यान रखा गया है। तो भाई देख सकते हैं मशीन चल रहा है, और बाहर निकलते ही तीन तीन ATM भाई, ATM भाई देख सकते हो यार, ATM तो कहीं पर ढूंढने पर एक नहीं मिलता, यहाँ पर तीन तीन ATM लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये है रायपुर का रेलवे स्टेशन। तो थोड़ा अंदर जाके हम आपको फैन दिखा देते हैं। मैं सबसे पहले उतरने के बाद बाहर निकल गया था, तो देख सकते हो पंखा कितना बड़ा लगा है भाई, पूरा बिल्डिंग उड़ा देगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर टिकट कटवा सकते हैं जो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आ चुकी हूँ रायपुर के रेलवे स्टेशन में। बहुत सारे लोगों को हमारे रायपुर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बताना चाहती थी, तो आज मैं आ गई हूँ रायपुर के रेलवे स्टेशन में, और रायपुर के रेलवे स्टेशन का पूरा ब्लॉग कम्प्लीट करने वाली हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और आज मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आपको भी अपने साथ घुमाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चलो जल्दी चलते हैं बिना लेट। तो मैं भी चाहता था कि इस दीदी के साथ यार मतलब घूमू फिरू क्या करूँ, मतलब वीडियो बना है ये भी बना है, तो मैं भी इसके वीडियो बना लूँ। तो फाइनली यार ये मतलब करीब 4-5 ट्राई किए जो डायलॉग को बोले, वो मतलब बोलने के लिए 4-5 ट्राई कर रहे थे दीदी, तो मैं वहीं पर खड़ा होकर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो फाइनली हम रायपुर पहुंच चुके हैं और अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं ऑटो पकड़ के। तो देख सकते हो भाई हम आगे बढ़े।